ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज का दिन सियासी एक्शन से भरपूर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार बचाने में पूरे दिन भर जुटे रहे, तो विपक्ष पाकिस्तानी पीएम को पटखनी देने के लिए नई नई रणनीति बनाने में जुटा है। मैं आपको दिखाता हूं कि आज दिन भर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हुआ है। आप जरा देखिए, इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। प्रधानमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए पीटीआई की तिक्रम देखने को मिली है। पंजाब के लिए घोषित किया गया नया सीएम उम्मीदवार। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और विपक्ष के दबाव के आगे पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं। पीएमएल के नेता चौधरी परवेज इलाही मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। परवेज इलाही से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात हुई है। इमरान खान सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर इमरान खान लगातार अपने विपक्षियों पर निशाना साधते दिखाई दिए। और एक दिन पहले इमरान खान ने विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोला था। इस्लामाबाद में एक रैली में मियां इमरान खान ने विपक्ष को चूहा तक बोल दिया था। 24 घंटे में पाकिस्तान की फिजा बदली बदली नजर आई। सुबह से विपक्ष लगातार आक्रामक मूड में था। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक के बाद बैठकें चलती रहीं और शाम को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और उसके बाद संसद 31 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। यानी अब 31 मार्च को इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष की यूनिटी को तोड़ने में इमरान खान और इनकी पार्टी लगातार लगी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और शाम होते होते इमरान खान ने तिक्रमी चाल चल दी है। पाकिस्तान के पंजाब के सीएम को हटाकर इमरान खान की पार्टी ने विपक्षी खेमे के एक नेता को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। इमरान खान की यह चाल कितनी कामयाब होगी, यह तस्वीर 31 मार्च को साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आखिर कितने दिन के मेहमान हैं? क्या 31 मार्च उनका आखिरी दिन होगा या वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? मुश्किल में नियाजी खान की सरकार, इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। क्या सरकार बचा पाएंगे इमरान? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को 31 मार्च तक की मोहलत मिल गई है, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 31 मार्च को शुरू होगी और फिर इसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान सियासत की पिच पर रन आउट होंगे या फिर बाउंसर फेंक कर विपक्ष के छक्के छुड़ा देंगे। उनके जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। कौम को निजात दिलवानी हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हम सवाब समझ के ये काम कर रहे हैं। स्ट्रेटजी बड़ी वाजह है जी। आज एजेंडे पे आज भी है तरीके अदमे इत्माद को मोशन को कैरी करने को और सेंस ऑफ द हाउस लेंगे। हम चाहेंगे कि वो ऐसा करें, लेकिन हम किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं करना चाहते। हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानी पीएम पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, तो विपक्ष भी रणनीति बनाने में लगा है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष ने मीटिंग की, इमरान सरकार को उखाड़ने का ऐलान किया।
इसी बीच इमरान की पार्टी के सहयोगी दलों के साथ छोड़ने का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। इमरान खान की पार्टी की सहयोगी रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी साथ छोड़ दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ डील कर रही है। दोनों दलों का मानना है कि अगले एक सप्ताह के अंदर इमरान खान को पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी संसद के आंकड़ों पर नजर डालें तो पार्लियामेंट में इमरान सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। इमरान खान के समर्थन में 179 सांसद जबकि 24 सांसद बागी हो गए हैं। इमरान खान के 50 सांसद लापता हो गए हैं। ऐसे में पाक के पीएम समर्थन में 105 सांसद बचे हैं। बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत, यानी इमरान खान की सरकार के बहुमत के लिए 67 सांसदों की जरूरत। पाकिस्तान में आए दिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे पाकिस्तान में सियासी हलचल बढ़ती ही जा रही है। इमरान के साथ साथ अब पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हो गया है। खबरों की माने तो विपक्ष को पाकिस्तानी सेना का साथ भी मिल रहा है। ऐसे में इमरान खान और उसके करीबी अब कितने दिन के मेहमान हैं, इस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और पाकिस्तान को बने करीब 75 साल हो गए हैं। 7 दशकों से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उठक पटक का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है और आज की तारीख में पाकिस्तान का यही रिकॉर्ड है और इमरान खान की मुसीबत भी यह रिकॉर्ड बना रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सियासी इतिहास क्या है, पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री कितने दिनों तक कुर्सी पर काबिज रहे और उनकी सियासी पारी का अंत वक्त से पहले कैसे हुआ, आप देखेंगे, सोचेंगे, हैरान रह जाएंगे। यह पाकिस्तान का इतिहास है, आप भी देखिए। क्रिकेट के पिच पर बड़े बड़े धुरंधरों को बोल्ड करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों खुद सियासत की पिच पर लड़खड़ा गए हैं। करीब 75 साल में पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्रियों को छोड़ दें तो अब तक 19 प्रधानमंत्री बने, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक। लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इनमें एक चीज बेहद कॉमन है और वो ये कि अब तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। यहां तक कि नवाज शरीफ 4 बार और बेनजीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बनी लेकिन वो भी एक बार भी अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सके। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान के प्रधानमंत्री कार्यकाल से लेकर हत्या तक की कहानी बताते हैं। कार्यकाल पर ग्रहण। लियाकत अली खान 15 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बने। जिन्ना के बेहद करीबी थे, पाक आंदोलन में जिन्ना का साथ दिया। साल 1951 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या। लियाकत अली खान की हत्या की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। ख्वाजा निजामुद्दीन भी मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते थे। लियाकत अली खान की हत्या के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 17 अक्टूबर 1951 को नजीबुद्दीन के हाथ कमान आई। 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि उन्हें पद से हटा दिया गया। ख्वाजा नजीमुद्दीन 17 अप्रैल 1953 तक अपने पद पर रहे। मोहम्मद अली को ख्वाजा नजीमुद्दीन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने
1954 में सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1959 में पाकिस्तान के आम चुनाव होने वाले थे। उसके पहले 7 अक्टूबर 1958 की रात पाकिस्तान की आर्मी ने सभी महत्वपूर्ण जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और सुबह जब लोगों की आंख खुली तब तक सैन्य कानून लागू हो चुका था। 1958 से 1969 तक अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और देश को चलाया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। नूरुल अमीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये साल भी पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज है। 13 दिन के बाद पाकिस्तान में फिर से सैन्य राज की शुरुआत हो जाती है। 1973 में एक बार फिर से ऐसे ही चला। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति पद छोड़कर प्रधानमंत्री बने। 1977 में एक बार फिर पाक में आर्मी का शासन आया और 1985 तक चला। 85 में जब आम चुनाव हुए तो मोहम्मद खान जुनेजा पीएम बने। 1988 में जुनेजा को पद से हटा दिया गया और 1988 में बेनजीर भुट्टो पीएम बनी। बेनजीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ऐसा अनुमान था कि महिला प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान की सियासत में परंपरा बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भी महज 2 साल के अंदर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1993 में बेनजीर दोबारा सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार भी महज 3 साल तक प्रधानमंत्री रह पाई। 1988 में बेनजीर पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 1990 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 1993 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 5 नवंबर 1996 में उन्हें हटा दिया गया। बेनजीर की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद गुलाम मुस्तफा जतोई केयरटेकर प्रधानमंत्री बने। 3 महीने के बाद 6 नवंबर को जतोई की जगह नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अप्रैल 1993 में इनकी सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया। फिर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज की सरकार को बहाल किया। 26 मई 1993 को फिर से वो प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति ने उन्हें आर्टिकल 58(2)(b) के तहत पद से हटा दिया था। अप्रैल 1993 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। नवाज का ये दूसरा कार्यकाल 2 महीने भी नहीं चल पाया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 साल बाद नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि 3 फरवरी 1997 को उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। राजा परवेज अशरफ। परवेज अशरफ 22 जून 2012 को प्रधानमंत्री बने। 1 साल से भी कम वक्त तक पद पर रहे। 25 मार्च 2013 को पद से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकन अब्बासी 1 अगस्त 2017 से जुलाई 2018 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। जफरुल्ला खां जमाली। जमाली 21 नवंबर 2002 को देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने मुशर्रफ की विदेश और आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ाया। वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 26 जून 2004 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शुजात हुसैन। जमाली के इस्तीफे के बाद शुजात हुसैन प्रधानमंत्री चुने गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के नेता हुसैन 30 जून 2004 को प्रधानमंत्री पद पर बैठे और महज 3 महीने में उन्हें हटा दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण बना रहा शौकत अजीज 20 अगस्त 2004 को पीएम की कुर्सी संभाली। संसदीय टर्म खत्म होने के बाद 16 नवंबर 2007 को उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी 25 मार्च को गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने। वो पाकिस्तान के सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने वाले एकमात्र नेता रहे। गिलानी 4 साल 86 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि कोर्ट की अवमानना के मामले में अप्रैल 2012 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया और गिलानी 5 साल का शासन पूरा करने का इतिहास नहीं रच पाए। राजा परवेज अशरफ। परवेज अशरफ 22 जून 2012 को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। वो 1 साल से भी कम वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। 25 मार्च 2013 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के छोटे से कार्यकाल का भी अंत हो गया। अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री बने और जुलाई 2018 में
उन्हें भी पद से हटा दिया गया। बहरहाल लियाकत अली खान से इमरान खान तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ग्रहण हमेशा से रहा। ऐसे में अब इमरान खान की बात करें तो उन्होंने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। तीन साल 221 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके इमरान खान पिछले 22 सालों से राजनीति की दुनिया में सक्रिय हैं। अगर इमरान खान को पीएम की कुर्सी से उतारा जाता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के अधूरे कार्यकाल का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्रियों के अधूरे कार्यकाल से निजात नहीं मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 33 दिन के बाद रूस का टुकड़े टुकड़े प्लान जगजाहिर हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 33वें दिन रूस का कोरिया वाला प्लान सामने आया है, जिसके चलते रूस यूक्रेन को टुकड़े में बांटकर हमेशा के लिए कमजोर करना चाहता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के एक महीना पूरे होने के बाद भी रूस और यूक्रेन की युद्ध नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन को टुकड़े में बांटने की तैयारी में जुटा है, यूक्रेन के पूर्वी इलाके को पूरी तरह से अलग करना चाहता है और यूक्रेन की समुद्री सीमा पर अपना काबू करना चाहता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन गुरिल्ला वॉर की नीति पर युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी में जुटा है। सेना की छोटी टुकड़ियों के दम पर रूस को पीछे धकेलना चाहता है और इसके पीछे की मंशा क्या है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी, सामने आया रूस का नया एक्शन प्लान, कोरिया प्लान पर काम कर रहा रूस, यूक्रेन का बंटवारा करना चाहता है रूस। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को एक महीना गुजर गया है, 33वें दिन में युद्ध पहुंच गया। अब जिस तरह की खबरें रूस और यूक्रेन की तरफ से सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि रूस अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब पूरे यूक्रेन से युद्ध को समेटकर यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में फोकस बढ़ाना चाह रहा है। डोनबास इलाके में नियंत्रण बढ़ाना चाह रहा है रूस। इसके साथ ही रूस का इरादा यूक्रेन के समुद्री संपर्क को भी खत्म करना है। इस तरह के संकेत वॉर जोन से आने लगे हैं, लेकिन इस पर बड़ा बयान यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव की तरफ से सामने आया। इन खबरों पर एक तरफ से मोहर लगाते हुए बुडानोव ने दोहराया कि रूस यूक्रेन को बांटना चाहता है। बुडानोव ने कहा, रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह देश को दो भागों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझ चुके हैं कि वे पूरे यूक्रेन को निगल नहीं सकेंगे, इसीलिए वे कोरियाई मॉडल के तहत यूक्रेन को विभाजित कर सकते हैं। बुडानोव ने एक तरफ से यूक्रेन के पूरे प्लान ऑफ एक्शन को डीकोड करते हुए बताया कि रूस सबसे पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्र को एक अर्ध राज्य संरचना में तब्दील करने का प्रयास करेगा और फिर इसे स्वतंत्र यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में जनमत शब्द का शोर बढ़ता ही जा रहा है। चर्चा गर्म है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में जनमत वाला वही दाव चल सकता है जिसका इस्तेमाल वो साल 2014 में क्रिमिया में कर चुका है। पहले सैन्य दबाव बनाना, फिर जनमत करवाना,
और फिर हो गया विवादित इलाके का रूस में विलय। रूस की यही रीति रही है, वो इसी तर्ज पर अब 33 दिनों के युद्ध के बाद आगे की तैयारी में दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन में स्थित लुहानस्क इलाके में जल्द ही जनमत संग्रह के जरिए रूस में शामिल होने की राय को दुनिया के सामने रखा जा सकता है। इस इलाके के एक हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से कब्जा है। पिछले एक महीने के युद्ध में रूसी सेना के समर्थन में ये विद्रोही अब पूरे लुहान्स्क पर काबिज हो गए हैं। ये विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनास्क के पड़ोस का इलाका है। दोनों ही इलाकों को रूस ने 24 फरवरी को युद्ध छिड़ने से पहले यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का यूक्रेन के टुकड़े वाला बयान ऐसे वक्त पर आया है जब युद्ध को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन के अंदर रूस की सेना कई इलाकों में अपने हमले को रोकती दिख रही है, जबकि कुछ इलाकों में जोर आजमाइश जारी है। सेना के रुख में बदलाव रूस के वॉर पॉलिसी में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया प्रायद्वीप का बंटवारा किया गया, उसी तरह से यूक्रेन को भी दो टुकड़ों में करने की रूस की तैयारी से निपटने के लिए यूक्रेन की भी अपनी तैयारी है। यूक्रेन ने भी अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। लड़ाई में पिछड़ने की स्थिति में रूसी सेना से गोरिल्ला युद्ध लड़ने के संकेत दिए हैं। लड़ाई में पिछड़ने की स्थिति में रूसी सेना ने गोरिल्ला युद्ध लड़ने के संकेत दिए हैं। इस युद्ध में यूक्रेनी लड़ाके छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर रूसी सेना पर अचानक हमला बोलेंगे और उसे नुकसान पहुंचाकर भाग जाएंगे। तय है कि अगर यूक्रेन अपनी वॉर पॉलिसी में बदलाव करता है तो युद्ध लंबा खिंच सकता है और रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, दोनों देशों की अपनी अपनी तैयारी है। रूस की युद्ध की नीति में बदलाव का बड़ा संकेत रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी सर्गोई रत्स्काई की तरफ से पहले ही आ चुका है। सर्गोई बता चुके हैं कि रूस के सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी सर्गोई रुडुस्कोई ने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जिस विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी उसका पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। अब रूसी सेना डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह आजाद कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। जिस तरह से यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई है, रूस की सेना राजधानी कीव में पीछे हटती दिख रही है। रूसी सेना की रणनीति में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। रूस के सैनिक डिफेंसिव पोजीशन में दिखने लगे हैं। आगे बढ़कर वॉर करने की बजाय अब रूसी सैनिक बचाव की स्थिति में आते दिख रहे हैं। इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। कोई इसके लिए यूक्रेन के जज्बे को सलाम कर रहा है, कोई रूस को पस्त बता रहा है। किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना बेशक मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के रुख में बदलाव जरूर आया है, जो यूक्रेन के पूर्वी इलाके में यूक्रेन की सीमा रेखा में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। तय है कि यूक्रेनी सरकार के अधीन आने वाले हिस्सों और रूस समर्थित नवगठित डोनास्क और लुहान्स्क देशों के बीच की सीमा पर जोर आजमाइश तेज होगी। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। यूक्रेन टूटने से बचाने के लिए पश्चिमी देशों से मदद वाली बात ज़ेलेंस्की दोहरा चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी सेना अब यूक्रेन के तेल और खाद्यान्न भंडारों को निशाना बना रही है और यूक्रेन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, इसीलिए देश को ज्यादा मदद की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद से पीछे हट रहे वास्तव में रूस से डरते हैं। डोनबास के साथ रूस की निगाह यूक्रेन के बंदरगाह से सटे शहरों पर शुरू से ही रही है। युद्ध के शुरुआती दौर से ही रूस यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों खेरसोना, ओडेशा और फिर मरियापोल पर शिकंजा कसता चला गया है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार करते हुए रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी बंदरगाह बडियांस पर एक रूसी लैंडिंग जहाज और अन्य दो जहाजों को नष्ट करने का साहसिक काम किया है।
बर्डियांस बंदरगाह शहर पर रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के चार दिन बाद ही कब्जा हो गया था। बंदरगाह शहरों पर गहराता युद्ध संकट ये साफ इशारा करता है कि रूस नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में ये शहर यूक्रेन की ताकत बढ़ाने का काम करे। अभी अभी सामने आई ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से प्रभावी रूप से अलग कर रहा है, चाहे डोनबास का इलाका हो या फिर समुद्री सीमा से सटा इलाका। रूसी सेना का एक्शन प्लान युद्ध में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। रूस किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन को ताकतवर नहीं देखना चाह रहा। रूस खंडित यूक्रेन के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांट देना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आपको मैं एक ऐसी खबर दिखाता हूं जो पूरी दुनिया में आज सुर्खियों में बनी हुई है। ये तस्वीरों के जरिए देखिए, मौका था ऑस्कर अवार्ड का। मंसे हॉस्ट क्रिस रॉक एक एक करके विजेताओं के नाम घोषित कर रहे थे और जिससे भी ऑस्कर मिला वो अपने आप को बेहद खुशनसीब मान रहा था। इसी बीच कार्यक्रम के बीच माहौल खुशनुमा बनाए रखने के लिए क्रिस रॉक थोड़ा मजाक भी कर रहे थे, लेकिन यही मजाक उन पर भारी पड़ गया। क्रिस रॉक ने एक्टर बिल स्मिथ की पत्नी पर टिप्पणी की थी और जो बिल स्मिथ को पसंद नहीं आया, बिल स्मिथ गुस्सा हो गए और मंच पर जाकर होस्ट क्रिस रॉक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और ऑस्कर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के बाद भी विल स्मिथ ने माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने ये माफी क्रिस रॉक से नहीं बल्कि अपने समर्थकों से मांगी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।